Okay, Vishnu, so let's start your ICE Engine snap. And as you mentioned, you are preparing for your campus interviews, campus placement. Yes, sir. So my first question is to you, Vishnu. What is the difference between IC and EC engine? And what do you think, which type of engines are more efficient? Sir, IC से मतलब होता है कि अपना combustion है जो एक control volume में हो रहा है fixed area में, और external combustion engine means कि area कोई अपना fixed नहीं है, जो जहाँ अपना engine है actual में वहाँ पे combustion नहीं हो रहा, उसके बाहर भी combustion हो सकता है उसे. और usually अगर small capacity की बात करें तो internal combustion engine more efficient होंगे. और अगर अपन हमें अगर ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना हो, जैसे कि पावर प्लांट में यूज करते हैं एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन, तो लार्ज पावर के लिए आईस इंजन इंटरनल कंबर्शन वाले इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि उनमें मास जो उनका रेसिप्रोकेटिंग मास होता है उसको बैलेंस करना ईजी नहीं होता, तो उसके लिए फिर अपन हम एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन के लिए जाते हैं. लाइक विष्णु, इफ यू विल चेक मोस्ट ऑफ द आईस इंजन, दे आर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टाइप. Yes, sir. Maximum. But you know, rotary engines are much more efficient, much more useful as compared to any other engine. So, what do you think? What are the advantage of those rotary engine over reciprocating engine? Sir, actually, मैं rotary engine के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, इतना knowledge नहीं है मुझे. जानता हूँ कि उसमें rotating part होता है बस, पर इतना कुछ मैं ठीक है. सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट अबनॉर्मल कंबशन एंड नॉर्मल कंबशन इन आईस इंजन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबनॉर्मल कंबशन इन आईस इंजन? सर, ये फ्यूल पे डिपेंड करेगा. जैसे कि हम पेट्रोल इंजन की बात करें, तो पेट्रोल इंजन में अगर जो फ्यूल है उसका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, यानी अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा हो गया तो जो इस पार्ट पर लग इग्नाइट करेगा उससे पहले ही इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल, तो उससे यानी अब नॉर्मल कंबशन होगा, उससे साउंड वेव जनरेट होगी और नॉकिंग जैसा प्रॉब्लम जनरेट होगा उससे. और डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में डीजल यूजली कंप्रेशन से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है उसका एयर का, उसके बाद जो डीजल इंजेक्ट होता है उससे वो बर्न होता है. पर अगर जो कंप्रेशन रेशियो एक लिमिट तक नहीं पहुँच रहा तो उस टाइम पे सही से इग्नाइट नहीं होगा डीजल, और उस टाइम पे भी इस टाइप का फेनोमेना ऑकर होगा. व्हाट इज इग्निशन लैग? सर, यही कि जैसे इग्निशन लैग यूजुअली डीजल इंजन में देखने को मिलेगा हमें, जब डीजल इंजेक्ट हो रहा है जो कंप्रेस एयर है उसके अंदर, तो ये मेनली दो तरीके से हो सकता है. एक तो केमिकल लैग और एक जो फिजिकल लैग है. फिजिकल लैग मींस कि जो डिले पीरियड होता है ना विष्णु, वो तो डिले पीरियड होता है. सर क्या बोला आपने, लैग क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिले पीरियड एंड इग्निशन लैग? इग्निशन लैग तो वही हो गया सर, केमिकल डिले को बोलेंगे आप. डीजल इंजेक्ट होने के बाद वो कुछ टाइम लेता है, यानी कि अगर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, जैसे टेम्परेचर प्रेशर एक फिक्स अमाउंट तक नहीं है, तो कुछ टाइम लगेगा चलने में. तो डिले पीरियड लाइक इट इज रिक्वायर्ड टू बी हाई और लो? सर डिले पीरियड होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? सर ये डिपेंड करेगा, जैसे कि पेट्रोल इंजन में डिले पीरियड थोड़ा होना चाहिए, यानी कि ऑटो इग्नाइट नहीं हो जाएगी यानी स्पार्क से पहले, और डीजल इंजन में कम करने का ट्राई करेंगे अपन इसको. डीजल में कम होना चाहिए डिले पीरियड? आई थिंक सर. व्हाई? ठीक बोल रहा. डिले पीरियड तो यही हुआ ना कि डीजल इग्नाइट उसका इंजेक्ट होने के बाद कितना टाइम ले रहा हो बर्न होने में, तो डीजल इंजन में तो यानी इंजेक्ट होते ही बर्न होना चाहिए, तभी सही से फ्यूल जल पाएगा पूरा. और जबकि पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है कि स्पार्क से इग्नाइट हो रहा है, यानी कि पेट्रोल और एयर ऑलरेडी है कंबशन चैम्बर में, फिर हम स्पार्क दे रहे हैं उसके बाद वो इग्नाइट हो रहा है. और अगर स्पार्क देने से पहले वो इग्नाइट हो गया अपना मिक्सर है वो, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है. आपने सुपर चार्जिंग सुना है विष्णु? यू हर्ड अबाउट सुपर चार्जिंग? यस सर. तो बताओ सुपर चार्जिंग हम कैसे करते हैं, हाउ वी कैरी आउट सुपर चार्जिंग इन आईसी इंजन? सर यूजुअली एडवांटेज ऑफ कैरिंग आउट सुपर चार्जिंग?
सर यूजली सुपर चार्जिंग डीजल इंजन के लिए यूज करते हैं, जब अपने को पावर आउटपुट बढ़ाना हो उसके लिए जो एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके जो एयर का मिक्सर, एयर जो सक करता है इंजन सक्शन स्ट्रोक के दौरान, उसको एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा यानी हाई प्रेशर हुए एयर को अंदर भेजते हैं, जिससे कम यानी जो प्रेशर होता है एयर का, जो कंप्रेसर के दौरान जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो इफेक्टिवली प्रेशर बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा पावर मिलता है। और इसको मेनली दो टाइप से करते हैं, सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग। सुपर चार्जिंग में डायरेक्ट हम जो ब्रेक पावर होता है इंजन का उससे पावर लेते हैं, और तो हम ये जो है सुपर चार्जिंग हम पेट्रोल इंजन में नहीं करते। व्हाई? सर पेट्रोल इंजन में नहीं करेंगे सर। पेट्रोल इंजन का कंसेप्ट वही है ना कि अगर आप हम उसको सुपर चार्ज कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर पेट्रोल ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, फिर वही नोकिंग वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, वो प्रॉब्लम जनरेट होगा। सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग में क्या डिफरेंस है भाई? सर टर्बो चार्जिंग में तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है उसे टरबाइन को रन करते हैं, और फिर उससे कंप्रेसर रन रन करके उसको एयर को कंप्रेस करते हैं। यूजली ये जो लार्ज 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 साइज के इंजन होते हैं वहीं पे यूज कर सकते हैं इसको, स्मॉल स्केल पे ये यूज नहीं होगा। ये यूजली जो प्रैक्टिकल जैसे अपन किसी व्हीकल में देखते हैं तो वहाँ यूजली सुपर चार्जिंग ही यूज होता है। ओके तो आपने सीआरडीआई सिस्टम सुना है विष्णु जी? व्हाट अबाउट सीआरडीआई टेक्नोलॉजी? यस सर आई नो गाड़ियों के बैक सर, साइड में काफी लिखा होता है यस सर आई सीआरडीआई नो सिस्टम, व्हाट आई नो सर। इज दैट? सर बेसिकली जो अपना ओल्ड सिस्टम चला रहा है यानी फ्यूल इंजेक्ट करने का इंजन के अंदर, उसको यानी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चेंज किया, चेंज करते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। इसका मतलब कि जो पहले जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें हम कैमशाफ्ट का यूज करके फ्यूल इंजेक्ट करते हैं गाड़ी के अंदर, बट इसके अंदर जो फ्यूल कैमशाफ्ट है उसको एक पंप और कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि सेंसर्स इससे रिप्लेस करके फ्यूल इंजेक्ट एक परफेक्ट टाइम पे करते हैं। जो कि जो डीजल इंजन की बात करें तो उसमें एक लैग आता है, जैसे कि आप अभी आप बात कर रहे थे पहले, तो इससे उन लैग को कम कर सकते हैं यानी परफेक्ट टाइमिंग पे फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हैं अपन इसके इसके हेल्प से। और पेट्रोल इंजन में MPFI कुछ ऐसा होता है। ओके कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट ऑक्टेन नंबर विष्णु? व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? सर ऑक्टेन नंबर यूजली हम इन पेट्रोल 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 इंजन के लिए, ऐसा इंजन के लिए डिफाइन करते हैं। ऑक्टेन नंबर से मतलब ये है कि कंपेयर करने का एक तरीका है फ्यूल्स में, डिफरेंट टाइप में। जैसे किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 90 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्यूल 90% आइसो ऑक्टेन और 10% एनएक्टेन के इक्वल होगा, यानी उस फ्यूल को ऑक्टेन और हेप्टेन के मिक्सर से कंपेयर करें तो इस रेशियो में होगा वो फ्यूल। तो किस किस ऑक्टेन का फ्यूल जो है अपने को विष्णु इंडियन मार्केट में अवेलेबल होता है? लाइक सपोज इफ आई आस्क यू अबाउट IOCL या ओएन, ये जो अपना HPCL है, किस रेंज में अपने को ऑक्टेन नंबर मिलता है पेट्रोल का? सर अराउंड इंडियन मार्केट में तो 90 के ऊपर है, जो मैंने सर्च किया था नेट पे 91-92 इतना इसके लिए वगैरह था। ये एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल्स क्या होते हैं विष्णु? व्हाट आर एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल्स? एक्स्ट्रा प्रीमियम सुना आपने? प्रीमियम फ्यूल्स, एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा माइल? नहीं सर सॉरी सर मैं नहीं जानता। पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो दो अलग अलग कैटेगरीज के फ्यूल मिलते हैं ना, कुछ मिलते हैं पावर फ्यूल्स, कुछ ऑर्डिनरी फ्यूल्स होते हैं पेट्रोल डीजल। अच्छा सॉरी पेट्रोल पंप सर पे हम जाते हैं विष्णु, अपने को डेंसिटी भी मिलता है, लाइक जो पेट्रोल का जो मीटर होता है वहां पे आपको लीटर के साथ साथ रेट के साथ साथ क्या रेट चल रहा है, यू यू विल गेट रीडिंग ऑफ डेंसिटी आल्सो, कि लाइक जो पेट्रोल आप डलवा रहे हो उसका डेंसिटी कितना है। यस सर यस सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी? सर। एक्चुअली जो पेट्रोल मिल रहा है वो एक्चुअल पेट यानी मिक्सर होता है कहीं, जैसे कि इंडियन मार्केट में देखें तो उसमें मिथाइल और इथाइल भी मिला रहे हैं, मिक्सर कर रहे हैं। हमें भी इस कारण से जो एक्चुअल यानी जो एक्चुअल एक्चुअल पेट्रोल था वो तो हम वो डिफाइन कर रहे हैं पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन और NF10 ना, तो उसके अलावा जो मिक्सर होते हैं उससे डेंसिटी चेंज होता होगा मे बी इस कारण। आई एम नॉट श्योर अबाउट। अच्छा कैन यू ड्रॉ ऑटो साइकिल एंड यस डीजल सर साइकिल ऑन द सेम पीवी डायग्राम विद द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड द सेम हीट एडिशन?
सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम हीट एडिशन. सेम कंप्रेशन रेशियो. सर ओनली ऑटो साइकिल के लिए. सर यू आर म्यूटेड. यू नीड टू ड्रॉ बोथ ऑटो एंड डीजल ऑन द सेम डायग्राम, पीवी डायग्राम, विद सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम हीट एडिशन. यस सर. एक्सक्यूज मी सर. यस यस विष्णु. दिस इज पीवी डायग्राम सर. सो द साइकिल इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज क्लॉकवाइज. अच्छा, कुछ एरो आपके उल्टे उल्टे हो रखे हैं ना. हाँ सर, मैं भी मेरे रिफ्लेक्ट है. सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट एडिशन. ड्रॉ द टीएस डायग्राम आल्सो विष्णु. सर एक्चुअली जो पीवी जो प्रेशर वाला है उसका स्लोप कम रहेगा वेलोसिटी वाला के, यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाले का ज्यादा रहेगा, पर एक्चुअली ड्रोन सही से नहीं कर पाया. नो दिस इज नॉट राइट. दिस इज नॉट राइट. दिस नो लाइक इफ दे आर हैविंग डिफरेंट स्लोप देन फाइन, बट द केस इज दे आर हैविंग सेम हीट एडिशन ना. दैट्स व्हाई आई ड्रॉ टू डिफरेंट लाइन ना. नो टू डिफरेंट लाइंस आर फाइन. But what is the area under those lines? That area is same or different? Say that's why I am doing different. Area will be same if same addition, heat addition is there. But area is not same. I think area will. Can you draw the area between like on under the constant volume curve and constant pressure curve projected on the entropy axis? That area is different. Are you getting that point, Vishnu? Sorry, sir. The area under the curve are different. So you need to extend that line. आपको उस line को extend करना पड़ेगा. It will be something like this. Something like this, Vishnu. Okay, sir. You need to extend that. Why? Because that area, this area which is there, this will be equal to this. Yes, sir. Yes. Even that entire, then only the heat addition will be same in both the cases. Okay, Vishnu, let me give you the feedback. So, Vishnu, most of the question you answered, like I started with IC, EC. What is the difference? Which are more efficient? So, what he kept me saying, bataya. Turbocharging, why we cannot use in petrol engine, that answer was also right. होते हैं जो extra premium fuels होते हैं. You know, density से अपने को पता क्या चलता है, how much is the mass content. Yes, sir. If more is the density of the petrol means more is the mass content, more is the power output you are going to get. तो अगर आपको दो petrol pump पे fuel मिल रहा है, like एक पे आपको density अच्छी मिल रही है, एक पे density क्या है, low है. Yes, so high density means the petrol is of good quality. इग्निशन लैग में और डिले पीरियड में आप थोड़ा सा मिक्स कर रहे हो विष्णु.
you know, to segregate those things. Although, like, they are very much similar. The ignition lag in petrol engine is very much similar to the chemical lag. That's fine. And there is additional physical delay because in diesel engine, we are injecting the fuel. So first it is going to mix. It is going to make the combustible mixture. Then only the ignition is going to begin. So there are physical delay as well as chemical delay. So delay period term we use in, you know, diesel engine. So थोड़ा सा उसको segregate करना. Octane number 90 से अब मिलता है, that's fine. But how we measure octane number, what are the fuels to measure the octane number, वो थोड़ा सा आप देख लेगा. Although most of the party answer, like वो diagram आपने PV तो ठीक बनाया था, but TS में आपने mistake कर दिया. आपको वो समझ में आया? TS point समझ में आया? Yes sir. What do you think, which one is more efficient, auto or diesel? Sir, किसके same pressure ratio की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये जो केस मैंने दिया था आपको, जो भी केस दिया था, यानी सेम हीट एडिशन हो रहा है, सेम हीट एडिशन, सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो, पेट्रोल ज्यादा होगा फिर तो. Why? सर कंप्रेशन रेशियो अगर बेसिकली डीजल का तो वर्क है ना, जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा. देखो अगर जो मैंने डायग्राम अभी दिखाया था ना, आप इसमें देखोगे तो रिजेक्शन इज मोर इन डीजल, रिजेक्शन इज मोर इन डीजल. यस सर, डीजल में रिजेक्शन क्या है, ज्यादा है. एडिशन दोनों में सेम है, आउटपुट किसका ज्यादा होगा? Output will be more for petrol engine. Petrol. So petrol engine efficiency will also be more. So that those are more efficient. ठीक है विष्णु, अभी मेरे ख्याल से एक snap और लगाना आप IC engine का, थोड़ा इसको और revise करो अच्छे से and go for another subject snap. मेरे साथ एक और लगाना इसका IC engine का. ठीक है विष्णु? Okay, good luck. Keep preparing.